Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another video. इस हसीन मौसम में सुबह सोनी कल रात 3 बजे के करीब आपके भाई को एक तोहफा मिला। वो तोहफा हमें इस सूरत में नमूदार हुआ है कि हमारी गाड़ी लग गई रात को 3 बजे। गुस्सा आया एक्सट्रीम लेवल का। गाड़ी कल रात बहुत प्यारी लग रही थी, आई थिंक सो नज़र लग गई। सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं गाड़ी दे आया हूँ सही होने, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लगी है। और जिस गाड़ी पे लगी मैं वो बंदे को भी ढूंढ रहा था कि यार उसको भी हम पैसे दे दें, क्योंकि गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि गलती मेरी थी, तो बंदे को भी हम पैसे पूछे दे देंगे। क्योंकि रात को बंदा मिला नहीं था, क्योंकि जिसकी गाड़ी थी गली में खड़ी थी। तो आई होप आप ये ब्लॉग इन्जॉय करेंगे। और आज हम रेस कोर्स जाएंगे क्रिकेट खेलने, क्योंकि ज़रा रिलेटिव्स के साथ आजकल कुछ दिन चल रहे हैं, और आगे मेरे रात में भी हमने हॉर्स पे सेट लगानी है। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और बाल ज़रा बेतरतीबे हुए हैं, ज़रा इग्नोर कीजिएगा इसे। लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। एक मिनट, बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जल्दी से ब्लॉग का आगाज करते हैं। सुबह ये देखिए अंकल जी का हम दीदार करा रहे हैं आपको। सुबह सुबह हमें तोहफा नमूदार ये हुआ है अंकल जी। पुटीन छुटीन लग गई है? हाँ ठीक है अंकल जी, बस वेलो है थोड़ा, तो बराबर की में करांगे नहीं होगा। अच्छा कल रात बड़ी गंदी लग रही थी। ये देखिए आगे हाल क्या हुआ, गंदी फुल। लोग अभी नाश्ता करने चलते हैं, और नाश्ता करने के बाद आगे गाड़ी को हम यहाँ से लेके जाएंगे। और सुबह से जो तोहफा नमूदार हुआ ना, एंड पे दोष हो गया आपको, लुक चेक कराते हैं। ओए, लेकिन दुख है दुख। हाँ वो मैं वही पे आना, तो सोना हो गया माशाल्लाह। हाँ जी अच्छा अच्छा ऐ ला नहीं है माशाल्लाह, ठीक हो गया। रात में लगी थी, मैं क्या चलो कराई ले लें जी, गड्डी हो गई हमारी। हाँ ठीक हो गया अंकल। लो जी चलिए जरा, ओए होए एक मिनट, जरा कारपेट चाल ली, ये गड्डी गंदी। लो जी चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवेरे ताज़ा खर्चा, और अच्छा हो गया जी हमारा काम। लेकिन आपके भाई को यार कल बड़ी टेंशन पड़ गई थी, जब ये गाड़ी लगी है ना रात को, मेरा मूड ऑफ हो गया था। आप इससे हिसाब लगा लें, मैंने बाल भी नहीं बनाए अपने, क्या सिर्फ गाड़ी की टेंशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं गाड़ी पे कपड़ा मारते हैं, रेस कोर्स चलते हैं, इंजॉय करते हैं, आपको माहौल दिखाते हैं वहाँ का, फुल नुमाइश वगैरह लगी हुई है फूलों की। लेट्स गो। फाइनली यार हमारा जो हो गया काम शाम हो गया, और ना अभी गाड़ी को बस साफ करना है, गाड़ी गंदी बहुत हुई हुई है। एक्चुअली मैंने गैराज पे खड़ी थी जनाब साहब, वहाँ पे ना सामने सीमेंट वाली दुकान है, वो सीमेंट वाले भाई जाने इधर अपनी दुकान चुकान साफ की, सारी छिट्टे गाड़ी पे फेंक दी। तो अच्छी भली हमारी गाड़ी साफ सुथरी वॉश थी, तो अभी हमें जो है ना फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट। छोड़ आपके भाई ने भाई गाड़ी साफ नहीं की, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है, घर वाले भाई चंगा जलील कर रहे हैं कि भाई निकलो बहुत लेट हो गए हैं। लेट्स गो यार, क्रिकेट वगैरह का प्लान करेंगे, और ये एक दो दिन जरा घूमने शूमने के व्लॉग्स आ गए हैं, और साथ साथ गाड़ियों के भी आ रहे हैं। धूप चेक करो यार, कितनी करारी धूप है। वाह, ये आपके भाई का आउटफिट है। आपके भाई ने फौरन अपना आउटफिट चेंज कर लिया, कि भाई ये एक आउटफिट हमने कल पहन चुके थे, और बाल चल आपके भाई ने बनाई नहीं है, इस वजह से नहीं बनाया, टाइम नहीं था। और जल्दी से आपसे मिलते हैं रोड पे, लेट्स गो। भाई भैया रेस को पहुँच चुके हैं, और आपका भाई तार भूल गया अंदर। ओए लेकिन पावर बैंक ही नहीं लाया, शिट। कोई बात नहीं, अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉग रिकॉर्ड करना है। तो यार यहाँ से गाड़ी लगी थी, अब बाकी पता तो नहीं चल रहा, गाड़ी गंदी हुई है, लेकिन अपनी डोडो लग माशाल्लाह बहुत प्यारी रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी चलें, अब निकल चुके हैं, और आपका भी पीछे रह चुका है। ओए होए यार हैवी सीन है यार आज, रश नहीं है, ये शुक्र है भाई जान रश नहीं है आज, ये बेहतरीन काम हो चुका है। अंदर रेस कोर्स के चलते हैं और चेक करते हैं, बेहतरीन से देना बेहतरीन से। हाय हाय हाय, सबसे पहले एक छंडी उठाएंगे। आपका भाई मेन रोड पे ब्लॉगिंग कर रहा है इस टाइम, क्या बात है भाई। देखें ये फोन पे लगा हुआ है, और फुल ऑन क्रिकेट चलने वाली है यहाँ पे, VIP किस्म की। और शुक्र है आपके भाई को गाड़ी की पार्किंग मिल गई है, वरना मूड बड़ा ऑफ हो जाता है। नज़ारा विद हमारा कौमी परचम, क्या बात है जी क्या बात, और विद आई लव लाहौर, वो आगे बोर्ड आ रहा है इस टाइम। बाकी वेट कर रहे हैं बशिंदों का, ठीक है, और क्रिकेट शिकट खेलने का प्लान बन रहा है। और लेकिन इतने चिकड़ में, चिकड़ के कीचड़ आई थिंक सो कीचड़। ओहो बर्गर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से, ता हरकतें ना करो, ठीक है, मड के आ दो सीधा ही भैया, कीचड़ ही है, तो जिसकी वजह से हमारे पैर अड्डे अड्डे अंडर जा रहे हैं। अभी कुछ लड़के गाड़ी के साथ टिकटॉक्स वगैरह बना रहे थे, मेंशन किया उन्होंने इंस्टा पे, उनकी स्टोरियां लगा देंगे जाके।
पानी शानी ऑन हो चुका है और अभी तक भाई अपने बाकी कजनों का वेट हो रहा है बैट बॉल खेलने के लिए। आज आपके भाई को इतना हैवी कीड़ा है हुआ था ना बैट बॉल का, तो आपका भाई इसलिए रेस कोर्स आ गया। आज भाई ने पूरा दिन ज़ाया कर दिया कि आज हम रेस कोर्स जाएंगे। सॉरी जिलानी पार्क, इसका नाम जो है चेंज हो चुका है, तो इधर कोई इनकी वो लगी हुई है, नुमाइश वगैरह लगी हुई है, तो मैंने कहा यार चेकआउट कराएंगे, अभी थोड़ी रात हो रही, रौनक ज़्यादा होगी इसलिए मैं थोड़ा रात में ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, फिर रौनक थोड़ी ज़्यादा हो जाए। आग की रोटियाँ, मकई की रोटियाँ और साथ चल रहा है। हाँ जी, तीनों क्या कर रहे हो भैया? पूरे विलेज वाले माहौल में। अच्छा ठीक है, मकई की रोटी, देसी का साग। ओए होए, मैं कह रहा हूं टूर इधर मेले का राउंड कराए हैं थोड़ा सा। हां जी, आए किधर आए हो? ये चेक कराओ यार, इसका टेस्ट एंड लेवल है। ये देखो, ये गया। और अच्छा, इसको खा के आप लोग क्या कहोगे? मजेदार, लिटरली इतना उसका ग्राई वगैरह का टेस्ट नहीं आ रहा जितना इसका भी आ रहा है। हालांकि मैं चीज खाते नहीं हूं, मैं खाता नहीं होता, मतलब मजा आ रहा है किस्म का। आए किधर हो? और आपने वो क्वेश्चन ही व्लॉग में किया क्या? आप तो गाड़ियों के भी व्लॉग बना रहे हैं आजकल, जरा फैमिली के साथ एंजॉय भी थोड़ा बहुत, डेली व्लॉग यू नो। या डेली व्लॉग। और नहीं नहीं, आप नया प्रोजेक्ट उठा रहे हैं ना, वो भी तो पता लगना चाहिए ना मामगो। सरप्राइज। अच्छा अभी बताओ आएगा यहां हम किस जगह में? जिलानी पार्क। अच्छा, नाज़मिक जे रोड से सीधा आएंगे। असल में तीन चार दिन से गाड़ियों वगैरह के ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पता क्या, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं थी अभी हमने गाड़ी। हाँ, या थोड़ी फ्री फ्री रिफ्रेशमेंट भी चाहिए थी लाइफ में, जरा दिमाग को रिफ्रेश करने आए हैं। दिमाग घूम जाए तो ये आप लोगों ने सबने वेप पिया हुआ है, आपके मुंह से धुएं निकल रहे हैं। ये पैकेज कराया। अच्छा जी, इस टाइम ना ठंड में पराठा साग का बहुत मजा आ रहा है। लेकिन इस बंदे ने ना अब आपके भाई ने फैसला किया कि हम जो है सादा पराठा खाएंगे। ये देखिए अभी आपको सीन बताएंगे। ये देखिए हमारी प्लेट जो है वो टोटल फिनिश हो गई हुई है। ये भाई नहीं खा सकते, इनको असल में ना पेट की बीमारी हुई है। छोटे छोटे पेट। हाँ छोटे छोटे। आपको भी हम बताते जब हमारा नया अगला पराठा, जिस टाइम भूख भी बड़ी लग रही है ठंड में, पराठे का मजा बहुत आ रहा है खाने। कमाल यार, ये कमाल कर दिया है, जहाँ भी हम खा रहे हैं इस टाइम ना एंड हो गया, डाडो मजो आयो, डाडो मजो आयो। ये पराठे की मेकिंग हो रही है यार इनका, असल में साग और पराठा भी बहुत जबरदस्त है इनका। नहीं नहीं, बाकी मेरे का पराठा है, मजेदार है ना, मजा आ रहा है ना खा के। हम डांस हुए, डाडो मजो आयो। भाई का पराठा आ चुका है, आपके भाई का पराठा आ चुका है। साइज पराठे का देखो बिल्कुल इसके छोटे, आपके भाई का पराठा आ चुका है और ये कश्मीरी पराठा है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। आए हाय 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 हाय, बहुत मजेदार पराठा है जी, सब रेडी है। आपका भाई टेस्ट करके आपको बताता है मकई की रोटी के बाद। एक मिनट, उल्टे हाथ से नहीं खाना अब्दुल रहमान साहब, इसको जरा लेफ्ट हैंड पे मैं कन्वर्ट करता हूँ। कैमरा रखो, मैं वही कह रहा हूँ ना। हाँ, ये चेक करें। एक मिनट सलमान, एक मिनट बस। ये हाँ जी, एक मिनट, अब आपके भाई की ये देखिए मुर्गी बन गई है। मजेदार, लिटरली मजेदार। हम आ चुके हैं घर और इस टाइम खा के ना, आज मेरे ख्याल फूडी डे था हमारा, चीट डे हो गया, फूडी डे भी हो गया और एंड लेवल हो गया। क्या हिसाब बना है खा पी के? इतना का खा लिया कि बस इस टाइम लिटरली के भाई पानी का एक घूंट भी अंदर नहीं जा सकता, इतना कम खा चुके हैं। और हाँ क्या बोलू, चलो जरा सुन लिया तुम बात जाके। तो यार अभी ये है कि कल से दोबारा से गाड़ियों के ब्लॉग डालना हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये दो तीन जरा फैमिली मेरे खाला वगैरह भी आए हुए थे आउट ऑफ सिटी से, तो हमने कहा जरा इंजॉय वगैरह कर लें। तो कल से गाड़ी में रंग की मॉडिफिकेशन शुरू, उसमें हुड स्पेशल लगानी है और फिर पीछे की किटें, करोला के स्प्लिटर, करोला की ट्यूनिंग शूनिंग, नया स्पॉयलर, थोड़ी सी ऊंची भी करानी है और उसके बाद नया नई प्रोजेक्ट कार। आए यार ये सारी आवाम की ट्रैफिक को डिस्टर्ब करके हम गाड़ी गुजारे, इस तरह अच्छा भी नहीं लगता। तो हम जो है नया प्रोजेक्ट लाने लगे हैं, प्रोजेक्ट कार और वो भी रियर व्हील ड्राइव। हाय होए, अब तो बड़ा मजा आने वाला है आपको यार। ये सोच रहे होंगे कि सब की तरह या तो K70 नहीं नहीं, स्पेशल कार, स्पेशल थोड़ा सा हट के, वेट एंड वॉच, बहुत मजे की गाड़ी आने वाली है। तो आज के ब्लॉग हम यहां एंड करते हैं। अगर आपको भाई के ब्लॉग पसंद है तो भाई के चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग और गाड़ियों का, कल से इंशाल्लाह ब्लॉग शुरू कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपको जाके वर्कशॉप की भी अपडेट देते हैं टीम लोअर एड्रेस गैराज की, जहाँ पे आप आगे गाड़ियों का अपना काम करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, नई फ्लेक्सिबल नहीं चली गई हुई है।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ में मान रखे। जाते जाते अपना डायलॉग सुना दे, डर गया।